हाँ तो ऐसा फाइल ऐसी यार। के लिए भी नहीं है यार, 4-5 दिन ले दो सर, 100% आ जाएंगे। पक्का पक्का पक्का। सेवा भाव तो ये है जी हमारा, तो वैसे भी ये बिजनेस जो है ये फैमिली बिजनेस है गैस लाइन का, तो हमें तो यही था कि अब जो लोग बियर नहीं कर सकते हैं गैस, तो ऐसा कोई इसका अल्टरनेट है ही नहीं ऑक्सीजन गैस का कि अगर हम उसको पैसे से या बिना पैसे के दें तो उसके बदले में वो ये चीज़ ले लेंगे। ड्रग का सप्ली आपको सब्स्टिट्यूट मिल जाएगा, मेरे हिसाब से हर चीज़ का मिल जाएगा, मगर ऑक्सीजन गैस का सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। आपको अगर किसी भी आदमी ने कुछ भी रेट बोल दिया है तो आपको वो पे करना ही पड़ेगा अगर आपको गैस आनी है। तो इसलिए हमने सोचा यार इतना पैसा जो वर्कर्स हैं या जो बेचारे ग्राउंड वर्कर्स हैं हमारे जो नहीं पे कर सकते वो तो फिर सारे मर जाएंगे अगर हम लोग सारे पैसे के लिए काम करेंगे। तो हमने बोला यार हम लोगों को फ्री गैस दे देंगे जो हमें बियर नहीं कर सकते गैस कॉस्ट। अरे वो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और हमारे इतने सारे सोर्स है, वेबसाइट है, आप हमें कैसे भी टेक्स्ट मैसेज कर दो तो हम उसको रिप्लाई कर देंगे, या वो किसी को भी अपने रिश्तेदार को किसी दोस्त को भेज सकते हैं कि यार ऐसे ऐसे हैं ये 2-3 लोग, इनको आप प्लीज़ हेल्प कर दो, तो हम कर देंगे, कोई इशू नहीं है। सर पैनिक तो है ही है, बिकॉज थोड़ी सी शॉर्टेज तो सर है, हम ये तो नहीं बोल सकते कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज नहीं है, मगर हमारी स्टेट में अभी इतनी बड़ी कोई महामारी या कोई भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे पास गैस सफिशिएंट नहीं है। हमारे पास गैस अभी इतनी है कि जितने पेशेंट को हम संभाल सकें, और मेरे हिसाब से उससे ज़्यादा है, और डिपार्टमेंट एक्टिव हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा दिल्ली जैसा कभी भी हालत जम्मू में आएगी, ये तो हम लोगों को भूल जाना चाहिए। ये है कि थोड़ा सा फ्रेश रहना है, अपने आप को डिस्टेंस बनाना है, जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो अप करो, और मेरे हिसाब से खुश रहेंगे तो बढ़िया से ये टाइम भी निकल जाएगा जैसे बाकी टाइम निकला है।